हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके क्रश की रीडिंग। यस व्यूवर्स, आज हम क्रश रीडिंग करने वाले हैं। आपके दिल में जिसको लेके फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, जिनको लेके आप अपने दिल में प्यार महसूस करते हैं और उस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो पर्सन क्या वो भी आपसे प्यार करता है, क्या उसके दिल में भी वही फीलिंग है जो आपके दिल में फीलिंग है अपने पर्सन को लेके, ठीक है? तो व्यूवर्स, उनकी हम फीलिंग्स आपके लिए चेक करेंगे। ये करंट फीलिंग के बेस पे व्यूवर्स मैं नहीं कर रही हूँ, ये ओवरऑल एनर्जी चेक हो रहा है आपके पर्सन का कि वो आपको लेके किस तरह की वाइब्रेशन में, किस तरह की सोच है उनके अंदर, क्या वो आपके प्यार को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेके, तो हम ये चेक करेंगे। व्यूअर्स, जनरल रीडिंग ध्यान रखिए, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो प्लीज़ ओपन अप रखिएगा अपने आप को। जितना भी आपसे रेजोनेट होता है वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। ओके, रीडिंग को व्यूअर्स लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। सो चलिए देख लेते हैं कि इस कनेक्शन की पहले क्या एनर्जी है, आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं, इस कनेक्शन की एनर्जी चेक कर लेते हैं और आपके पर्सन की भी, ठीक है? सो यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं जिनको लेके अपने दिल में ये प्यार महसूस करते हैं, उनके दिल में इनको लेके क्या भावनाएँ हैं, क्या फीलिंग्स हैं इनके क्रश की, क्या ट्रू फीलिंग्स हैं? एंजल्स प्लीज़ हमें वो बताएँ, हमें वो गाइड करें, क्या हैं ट्रू फीलिंग्स, क्या वो महसूस करते हैं इनके लिए। ओके, सो लेट्स सी। थ्री ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सोर्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द चैरियट। ओके, बॉटम से है विवर्स फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ओके, टॉरस, लियो, धनु एंड मकर राशि विवर्स यहाँ पे हमारे पास निकल के आई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कन्या और मकर राशि। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, क्या है उनका ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। वी हैव पार्टिसिपेशन, द सोर्स, द ड्रीम, चेंज, ये अभी भी कार्ड आया था, पॉसिबिलिटीज, ट्रस्ट, ये भी आया था अभी। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। व्यूअर्स, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे एहसास हो रहा है कि जो लोग व्यूअर्स इस रीडिंग को आप लोग देख रहे हो, मे बी हो सकता है आपने अपने पर्सन को पहले भी अप्रोच किया हो, बोला हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उस पर्सन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो प्रपोज़ल था उसको रिजेक्ट कर दिया। और ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहा है, जैसे कि उस पर्सन को लेके आपके दिल में जो भी फीलिंग्स थी कहीं ना कहीं वो टूटी हैं, कहीं ना कहीं, जैसे कि ना थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आप लोग आए हो व्यूवर्स पहले, मतलब हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में फ्रेंडशिप में हो, कहीं ना कहीं जैसे कि ग्रुप में हो सकते हो, ग्रुप में काम कर रहे हो, या फिर एक ग्रुप ही हो आपका फ्रेंड सर्कल का हो सकता है, मतलब जिसमें सिर्फ आप दोनों नहीं और भी लोग कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं व्यूअर्स में, जैसे कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और आप उस पर्सन की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, काफ़ी उस पर्सन की तरफ आपका झुकाव था, रुझान था, आप उस पर्सन से चाहते थे कि ये जो पर्सन है ये, इसके साथ में मेरा इस तरह का कनेक्शन होगा, प्यार होगा, जैसे कि होता है एक तरह से, जैसे कि ड्रीम देखना, उस पर्सन के ख्वाब आने लगे आपको, उस पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे, कहीं ना कहीं जो भी कहीं ना कहीं आपके दिल में थी व्यूअर्स भावनाएं, ठीक है, जो भी एक कनेक्शन में जब कोई पर्सन जाता है, जब भावनाएँ डेवलप होती हैं, प्यार, अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं झुकाव, एक रुझान होना, उसके बारे में ज़्यादा सोचना, वो रोमांटिक फीलिंग, वो भावनाएं, कहीं ना कहीं व्यूवर्स वो सारी की सारी इस आपके प्यार ने ही उसको क्रश कर दिया, कहते ना कुचल दिया, वो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ आपके लिए। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि आप इस पर्सन से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, इस पर्सन को आप भूल नहीं पा रहे हो, कुछ लोग लगाए इसमें यहाँ पर यही नज़र आ रहा है, ठीक है?
देखो जो आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो एनर्जी वीवर्स आपके लिए है। एक एनर्जी गाइस जो मुझे सबसे पहले प्रोमिनेंट पकड़ में आई, मैंने आपको वो बताया। अब दूसरा एस्पेक्ट वीवर्स मैं आपके पर्सन का ये भी देख पा रही हूँ कि इन दिस केस अगर आप इस कैटेगरी में नहीं फॉल होते, तो यहाँ पर एक और कैटेगरी जो बन रही है मैं आपको वो बता दूँ कि समवेयर वीवर्स ये पॉसिबल है कि आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी सारे इस समय परेशानियाँ चल रही हैं, काफ़ी सारे चेंजेस चल रहे हैं, काफ़ी सारे मूवमेंट चल रहे हैं, काफ़ी सारे टावर मूवमेंट इस समय आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन इस समय फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, यानी कहीं ना कहीं जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं, जिस पर्सन के लिए आपके दिल में भावनाएं हैं, ठीक है, जिस पर्सन को आप अपना मानते हो, दिल ही दिल में किसी को अपना मान चुके व्यूवर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ ही रहा है वैसे भी बहुत ज़्यादा, और यह हर एक के लिए है यहाँ पर। और जिस पर्सन से व्यूवर्स आप लोग अट्रैक्टेड हो, वो पर्सन अपनी लाइफ में मे बी हो सकता है किसी और पर्सन से कनेक्टेड हो, ठीक है। अब वो उस पर्सन से कनेक्टेड ये पर्सन आपका जो है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, यानी उस पर्सन ने हो सकता है या तो उसको डिच किया है, उसको छोड़ा है, या फिर किसी के साथ में इसका सेपरेशन आपके पर्सन का हुआ है। इन दिस केस व्यूअर्स, इन दिस सिनेरियो आपका पर्सन जो है वो आपके आपके प्यार को इस समय एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो पर्सन है, वो जो आपका पर्सन है, वो उस पर्सन को भुला नहीं पा रहा है। तो ये कुछ मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। और इन दोनों ही केस में कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आपके ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि आप उस पर्सन को बहुत कहते हैं ना, बहुत बहुत उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो उस पर्सन से, जैसे कि जुड़ना चाहते हो, बस आपकी ख्वाहिश है उस पर्सन के साथ में जुड़ना, उसके साथ में प्यार उसका हासिल करना, उसके साथ में अपना रिश्ता अच्छा बनाना, उस पर्सन को अपना बनाना। और ये चीज़ें मुझे प्रेजेंट में अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, ये चीज़ें मुझे कहीं पर भी स्टैंड करती हुई नहीं नजर आ रही, यानी जीरो एफर्ट्स मतलब उस पर्सन की तरफ से मुझे नजर आ रहे हैं इस कनेक्शन में, दोनों ही सिनेरियो के अंदर। आज की डेट में व्यूअर्स मैं यही देख पा रही हूँ कि इस पर्सन से जो आपकी उम्मीदें थी, जो कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं थी, उसमें आपको टेन ऑफ सोर्ड मिला है, ठीक है, उसमें आपको टेन ऑफ सोर्ड मिला है। आपको कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप इस पर्सन से ओवरकम कर ही नहीं पा रहे हो। जब भी आपने न्यू बिगनिंग करने की सोची, जब भी आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोची, मतलब कहते ना पहली नज़र में किसी को दिल दे बैठना, किसी के लिए प्यार अपने दिल में महसूस करना और उसी का हो जाना, फिर किसी और का ख्याल ही दिल में ना आना, तो एक ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वही सेम सिचुएशन आपके पर्सन की भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन भी जिससे आप कनेक्टेड हो, वो भी किसी और से कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन आज प्रेजेंट की सिचुएशन में वो पर्सन उसकी लाइफ में नहीं है, वो जा चुका है। या तो कोई भी व्यूअर्स यहाँ पे देखो, दो हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून आए हैं, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है जो कहीं ना कहीं अच्छे नई शुरुआत को दिखाता है इस कनेक्शन में, यानी आपके साथ में आपके पर्सन की एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन और एक ऐसा व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है जो कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत सारे अप एंड डाउन्स को दिखाता है, बहुत सारे चेंजेस को दिखाता है, जिसकी वजह से लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी टर्बुलेंस, डिस्टर्बेंस और परेशानियों ने आपको और आपके पर्सन को चारों तरफ से आके घेर लिया है, ठीक है। तो एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है जिससे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हाँ, ये जो टेन ऑफ सोर्ड वाली स्थिति आपके रिलेशनशिप में चल रही है, ये जल्दी ही कहीं ना कहीं ओवरकम इससे आप लोग करने वाले हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ओवरकम यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे पहले आपके पर्सन करेंगे, जो अपनी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन है जिससे वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, किसी को या तो बुला नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, किसी से कनेक्टेड हो सकते हैं, किसी का ये धोखा झेल नहीं पाए हैं आपके पर्सन, मुझे जैसे कि यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रांगली नज़र आया। तो ये व्यूअर्स एक सिचुएशन, एक टाइम है जो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि ये बदलेगा, ये बहुत जल्दी बदलता हुआ, जैसे कि एक प्रोसेस है जो चल रहा है कंटिन्यूस वे में, और आपके पर्सन भी फिर व्यूअर्स आपके साथ में आने वाले समय में कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स चैरिट के साथ में आना यही दिखाता है कि आने वाले समय में ये पर्सन आपकी तरफ कहीं ना कहीं अपना झुकाव या फिर आपकी तरफ अपना जो कदम है वो बढ़ाएगा, और आपके साथ में रिश्ते सुधारने की या फिर रिश्ते जोड़ने की कोशिशें यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स हमारे पास ट्रस्ट है और ट्रस्ट के नीचे हमारे पास सक्सेस की एनर्जी है, जो ये दिखाती है कि ये जो पर्सन है जो आज आपका आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो आपके आपके सपनों को इसने तोड़ा है, जो ये खुद भी टूटा हुआ है, इसने आपके 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 भी सपनों को कहीं ना कहीं तोड़ा है, उसको कहीं ना आपके भी बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करा है, आपको थ्री ऑफ सोर्ड दिया है, टेन ऑफ सोर्ड दिया है इस पर्सन ने। तो ये व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें दोबारा से कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग होगी, और न्यू बिगनिंग के साथ में इस कनेक्शन में आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस व्यूअर्स मिलती हुई मुझे यहाँ पे इस कनेक्शन में ही नज़र आ रही है। सो डोंट वरी व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, इंसान कभी कभी हमें नहीं पता होता कि सामने वाले पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों वो पर्सन हमें मतलब इतना ज़्यादा इसने सीधे सीधे बोल दिया कि मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती हूँ, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो मुझे यही नज़र आया व्यूअर्स कि ये जो पर्सन अगर आपका आज की डेट में प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसकी पर्सनल लाइफ, इसकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत परेशानियाँ हैं,
और ये कहीं ना कहीं उनसे उबर नहीं पा रहा है। इसको थोड़ा टाइम चाहिए इन चीज़ों से बाहर निकलने का, तब जाके ये पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा अपने आने वाले समय में। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं और क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है, इसकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के, जो पर्सन जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, जिसके लिए ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या हैं प्रेजेंट में, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए वो क्या फीलिंग फील करते हैं। ओके, जॉयफुलनेस गिफ्ट, ओके वी हैव डेथ एंड द मिसफॉर्चून। ओके, तो अगर देखो यहाँ पे सीधे सीधे हमारे पास देखो यही कार्ड निकल के आए हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो ट्रू फीलिंग है व्यूअर्स आपके लिए इस समय, मतलब उन्हें पता है, एहसास है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, उन्हें एहसास है इस बात का कि आप उनसे कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हो, उनसे प्यार भी करते हो। ठीक है, आपने भी हो सकता है अपने पर्सन को कोई गिफ्ट वगैरह दिया हो, कोई एक्सचेंज किया हो, किसी तरह से उनकी मदद करने की कोशिश भी की हो, लेकिन व्यूअर्स मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अभी इन चीज़ों की कहीं ना कहीं उनका जो फोकस है आप पे क्यों नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एंड मिस फॉर्च्यून, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है मतलब जिनसे इनको ओवरकम पहले करने दो। ठीक है, तो ये ओवरकम व्यूअर्स कहते हैं ना, जब तक देखो कितनी परेशानी है यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे भी हमारे पास ये दोनों कार्ड निकल के आए हैं, ये भी दिखा रहे हैं कि अभी इस कनेक्शन में ना कहीं एक अच्छा समय नहीं चल रहा है, ये समय गुजरने की ज़रूरत है, तभी आपके पर्सन की लाइफ में और आप दोनों की लाइफ में ये जो खुशियाँ हैं वो वापस लौट के आ पाएंगी, तभी आप दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ पाएंगे। और व्यूअर्स यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि ये जो टाइम है, ये समय क्रिटिकल चल रहा है, इस समय कोई भी एक्शन लेना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना कुछ भाग्य के खेल होते हैं, सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता, अगर इंसान के हाथ में सब कुछ होता तो पता नहीं क्या से क्या कर जाता, आपको भी पता है। तो ये कुछ ना कुछ भाग्य है, कुछ ना कुछ भाग्य परिवर्तन यहाँ पे चल रहा है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आया कि इसकी हो सकता है इसके कोई आपके पर्सन के कुछ ऐसे कर्मा हो सकते हैं जिसको ये फेस करने ही थे, इसको ये चीज़ें फेस करनी ही थी, इसको ये कहीं ना कहीं बुरा वक्त देखना ही था इस पर्सन को कहीं ना कहीं। देखो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून एक कर्मा को ही दिखाता है और व्हील ऑफ फॉर्चून दो आए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक भाग्य आपका है, एक भाग्य आपके पर्सन का है, तो दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक भाग्य ये कह रहा है कि आने वाले समय में सब चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी, दूसरा व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में जो मुझे ये पर्सन नज़र आया, इसका कहने की इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं व्यूअर्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। इन द केस व्यूअर्स, इन दिस सिनेरियो आपको करना क्या होगा, कहना कि आपको व्यूअर्स देखो लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, किसी के लिए भी रुकना नहीं चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स देखो कहा ही ये जा रहा है कि भाग्य परिवर्तन तो होगा, ये पर्सन खुद आपकी तरफ चल के आएगा, इसकी वजह से ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं स्टक कर लो या पॉज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं यही देख पा रही हूँ कि न्यू बिगनिंग तो होगी, लेकिन न्यू बिगनिंग से पहले बहुत कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, रैप अप हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, फिर आपके लाइफ में व्यूअर्स आपको ये कहीं ना कहीं खुशियों वाला समय देखने को मिलेगा। व्यूअर्स चलिए मैं एक एंजल कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए, चलते चलते देखते हैं एंजल्स आपके लिए इस कनेक्शन को लेके क्या बोलते हैं। ठीक है, ताकि हमें और क्लियरेंस मिल जाएगी। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं कि ये कनेक्शन इनको मिलेगा या कैसा रहेगा इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन में इनको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्या होना चाहिए इस कनेक्शन में। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ एंजल्स आप मुझे बताएं क्या ये कनेक्शन इनको मिलेगा, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके व्यूअर्स, देखो मैंने वही बोला, अभी सही समय नहीं है व्यूअर्स, यहाँ पे यूनिवर्स ने एंजल्स ने भी आपके लिए यही बोला है कि अभी सही समय नहीं है इस कनेक्शन में आपकी एंट्री होने का। ठीक है, या आपको ये कनेक्शन मिलने का, इसमें अभी थोड़ा वेट करना ज़रूरी है और उसी के बाद व्यूअर्स आपको चीज़ें मतलब सही आंसर आपको मिलेगा, यूनिवर्स ही आपको सही रास्ता दिखाएंगी, तो यहाँ पर सरेंडर करना व्यूअर्स बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी राइट टाइम नहीं आया व्यूअर्स, इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए सही मतलब कहते हैं ना जो आपको क्लियर कट आंसर चाहिए था वो आपको यूनिवर्स ने बोला है कि अभी वो आपको सही आंसर नहीं दे सकते। सबसे पहले यहाँ पे जो कर्मा है वो उनको काटना बाकी है, उन सर्किल को देखना बाकी है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग इस कनेक्शन में हो सकती है। सो व्यूअर्स ये रीडिंग आपके लिए थी, आई होप आपके साथ में रीडिंग मैच हुई होगी और आपको इससे जो गाइडेंस एडवाइजेस मिली हैं आप उन चीज़ों को फॉलोअप करेंगे। तो मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।